तो यार अभी आपका हाइट यहां पर नहीं रहता, अभी जो आपका हाइट 5 फीट है, 5 फीट 4 है, 5 है, और आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, आप फिर नहीं चाहते, अभी आपका हाइट 6 फीट पार होता है, तो पहला 18 साल मैंने कुछ किया ही नहीं, बॉडी के साथ पूरा अत्याचार किया है, तो जितना हो सके मैंने किया है। अगर मैं बचपन से करता मे भी मेरा हाइट 6 फीट 2, 6 फीट 3, 6 फीट 4 रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला है। अगर आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और यार चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना भी कहता हूँ, बिकॉज मैं इस चैनल में रेगुलर हाइट के ऊपर वीडियोज बनाता हूँ। तो आप देखना, अर्जुन तेंदुलकर का हाइट बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर एंड हिज वाइफ। एंड मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं सचिन सर का कुछ भी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यार उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। जस्ट ये वीडियो एडुकेशनल पर्पस है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मे बी आप मेरा बात से अग्री नहीं होंगे, बट ये आपका ओपिनियन है, मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अर्जुन तेंदुलकर का हाइट यार बहुत ज़्यादा है, 6 फीट से भी ज़्यादा है, एंड उनका पापा का भी हाइट उतना ज़्यादा नहीं है, मम्मी का भी नहीं है, बट अर्जुन तेंदुलकर यार इतना लंबा कैसे हो गया? कोई कोई कमेंट बताता है उसने HGH इंजेक्शंस यूज किया होगा इसलिए हाइट इतना ज़्यादा हो गया होगा, कोई कोई ये भी कहता कि उसने लॉन्ग लुक्स खाया है, कोई कोई ये भी कहता कि उसने वो सप्लीमेंट खा लिया होगा, बट यार ऐसा नहीं है यार, आज नहीं तो कल अर्जुन तेंदुलकर अपना देश के लिए खेलेगा एंड वहां पर पूरा बॉडी का चेकअप होता है टॉप टू बॉटम। अगर पकड़ा गया ना कि आपने ऐसा कोई इंजेक्शन यूज किया अपने बॉडी में अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, यार आपको पूरा बैंड कर दिया जाएगा। तो यहां से ये प्रूफ होता है अर्जुन तेंदुलकर ने कोई भी ऐसा बैंड सब्सटेंस यूज नहीं किया है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि अर्जुन तेंदुलकर ने अपना हाइट इतना बढ़ा लिया बट यार सचिन सर ने नहीं सका? सचिन सर का हाइट इतना ज़्यादा नहीं है, सके नहीं, सचिन सर भी सकते बट यार उस टाइम उतना ज़्यादा फिटनेस का मतलब ये नहीं था, अभी जितना है उस टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, उतना एडवांस नहीं था उस टाइम यार, ना उतना डाइट का ख्याल रखा जाता था ना अपना फिटनेस का। बट अभी का आप प्लेयर्स देखना, जो अभी का प्लेयर्स आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन, सबका हाइट बहुत ही अच्छा है, 90% प्लेयर्स का हाइट बहुत ही अच्छा है। एंड अगर किसी का जेनेटिक्स अच्छा है तो उसका हाइट तो यार लंबा होगा ही, लेकिन अगर आपका जेनेटिक्स खराब है, साथ में आपका जो डेली लाइफस्टाइल है वो भी खराब है, तो यार आपका हाइट में जो एक्स्ट्रा 4 से 5 इंचेस ऐड होना चाहिए था वो ऐड नहीं होगा। जैसे अनिल कुंबले का हाइट बहुत ही अच्छा है, बट अगर वो हाइट के लिए थोड़ा अलग टाइप से डाइट लेते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझे 3 से 4 इंच बढ़ाना है, अलग टाइप का डाइट लेते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, उस टाइम मे बी उनका फ्रेम में 3 से 4 इंच ज़्यादा होता, मे बी वो और ज़्यादा लंबे होते। देखो मुझे क्या लगता है, सचिन सर कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, बेस्ट डाइटिशियन, बेस्ट ट्रेनर, यार वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज उनका यार पैसा का कमी नहीं है। बट हम लोग रहे पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, एंड हम लोग उतना हाई फाई कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमारा जो डाइट रहता है रूखा सूखा रहता है यार, हमें उतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, ये दूसरा बात रहा। तो हम अपना बॉडी के पीछे वो नहीं कर पाते हैं जो वो कर सकते हैं। अगर उनका जेनेटिक्स खराब भी रहे लेकिन विद द हेल्प ऑफ टॉप डाइटिशियन, टॉप फिटनेस ट्रेनर, टॉप डॉक्टर्स, वो अपना बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। इलीगल कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टॉप डाइटिशियन, बेस्ट फूड्स अवेलेबल, बेस्ट एक्सरसाइजेस अवेलेबल, उसके हेल्प से अर्जुन तेंदुलकर ने अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाया। बिकॉज अर्जुन तेंदुलकर को बचपन से बहुत ही अच्छा डाइट मिला है, बचपन से बहुत ही अच्छा कोचिंग मिला है, टॉप डाइटिशियन, टॉप फिटनेस ट्रेनर,
जो जो भी टॉप मिल सकता है, टॉप चीज मिला है आपको, मिल रहा है, मुझे जितना भी पता है मैं आपको प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूं। तो अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर आप भी अर्जुन तेंदुलकर जैसे बन सकते हो, या अर्जुन तेंदुलकर से भी अच्छा बन सकते हो, आप कर सकते हो, बिकॉज आपको मिल रहा है। एंड ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप करोगे या नहीं करोगे। देखो, हाइट बढ़ाने का एक एज रहता है, अगर एज पार कर लेंगे उसके बाद चाहे आप टॉप डाइटिशियन के पास चल जाओ, टॉप फिटनेस ट्रेनर हायर कर लो, आप टॉप डॉक्टर के पास चल जाओ, आपका फिर हाइट नहीं बढ़ेगा। अभी टाइम है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी आपका टाइम है। अगर आप इस चीज को बचपन से करते आते तो यार अभी आपका हाइट यहां पर नहीं रहता। अभी जो आपका हाइट 5 फीट है, 5 फीट 4 है, 5 है, और आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, आप फिर नहीं चाहते। अभी आपका हाइट 6 फीट पार होता ऑलरेडी हो जाता, लेकिन अभी आप रो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट। पास्ट में आपने जो किया है यार, उसके वजह से आज अभी आप रो रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है, इतना दिन आज 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल या 20, 21, 22 साल आपने अपना बॉडी को प्रॉपरली फीड नहीं किया है, प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया है। तो ये मत सोचो 2 महीना 5 महीना करने से आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, सालों साल लगता है। अर्जुन तेंदुलकर को सालों साल लगा है तब जाके यहां पे है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड यहां से हो सके जितना भी आप अपने बॉडी को खींच सकते हैं उसको खींचो। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं सक रहे, हाइट बढ़ा नहीं पा रहे, तो आप मेरा पेड ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो फॉर हाइट इंक्रीज। एंड आप मेरा मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करना, gautampathy10@gmail.com। मैं आपको डाइट वर्कआउट प्लान प्रोवाइड करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग में एकदम सिंपल एक्सरसाइजेस दूंगा, देखूंगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, फिर आस्ते आस्ते इंप्रूवमेंट होते रहेगा, फिर थोड़ा टफ। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कह दूंगा कि पहाड़ में चढ़ जाओ, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। मैं आपका बॉडी का परफॉर्मेंस देखूंगा, उसके हिसाब से चेंज होगा, एंड मैं जितना हो सके आपके लिए करूंगा, मैं 100% ट्राई करूंगा आपका हाइट बढ़ाने के लिए। तो आप मेरा पेड ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, मेरा मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करना, चार्जेस बहुत ही लो है, आप उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइन करें, वरना आप अगर फ्री में हाइट बढ़ाना चाहते हैं आप मेरे यूट्यूब वीडियोज को देखो। मेरा यूट्यूब वीडियोज देखकर भी बहुत लोगों ने किया, बट अगर आपको परेशानी हो रहा है तो यार आपको एक स्टेप लेना चाहिए और आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप लेना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। आपको अर्जुन तेंदुलकर को देखकर कुछ सीखना चाहिए, विथ बैड जेनेटिक्स ऑल्सो यू कैन इंक्रीज योर हाइट। अगर आपका जेनेटिक्स खराब है फिर भी आप अपना हाइट बढ़ा सकते हैं, हर कोई कर सकता है, हर किसी में काबिलियत है। बिकॉज मेरा मानना यह है कि कोई भी जेनेटिक पोटेंशियल को हिट नहीं करता है, 99.9% लोग अपना जेनेटिक पोटेंशियल को हिट नहीं करते हैं। एंड मुझे यह भी लगता है कि मैंने खुद नहीं किया, बिकॉज मैंने खुद 18 साल के बाद ट्राई किया, तो पहला 18 साल मैंने कुछ किया ही नहीं, बॉडी के साथ पूरा अत्याचार किया है, तो जितना हो सके मैंने किया है। अगर मैं बचपन से करता मे बी मेरा हाइट 6 फीट 2, 6 फीट 3, 6 फीट 4 रहता है। तो कोई भी चीज कर रहे हैं शुरू से करो, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि जो आपका फ्यूचर जनरेशन आएगा उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आप उसको गाइड करेंगे या आप उसको मेरे पास भेजेंगे, आप मेरे वीडियोस को उसको दिखाएंगे, तो उसको बहुत ही बड़ा हेल्प होगा। एंड आप उसको बेस्ट देने का ट्राई करेंगे जो आप नहीं पा सके हैं। तो यार हाइट बढ़ाओ, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एंड मोटिवेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, टाइम लगता है, 2-4 महीने में कुछ नहीं हो जाता है, जो टाइम देके करता है वही आगे बढ़ता है, जो जल्दी करना चाहता है वो गिर भी जाता है, बहुत जल्दी गिर जाएंगे, जल्दी करने ट्राई करेंगे आपका मन टूट जाएगा, आप गिर भी जाएंगे, कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा आप ट्राई मत करो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। यार चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को गेट करना। अंटिल प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।